गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी रेनी सीजन है और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रैक्टिस करने का मन करता होगा लेकिन वो ग्राउंड नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेन या फिर कोई भी वजह है जिसके कारण आप एकेडमी नहीं जा सकते हो, ठीक है, और आपका प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है तो आप अपने घर पे भी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, हर एक चीज़ इसमें मैंने कंक्लूड किया है और आपको कुछ 5-6 तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो बिना ग्राउंड गए। आई होप गाइज आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को दबा लें ताकि मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो ड्रिल है उसमें हमें जरूरत पड़ेगा एक क्रिकेट बॉल का और एक बैट का। क्रिकेट बॉल को हम अपने नेक और शोल्डर्स के बीच में फंसा के और फिर इस तरह से शॉट्स को खेल सकते हैं। गाइस ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप चाहो तो आप इसके साथ कवर ड्राइव्स भी खेल सकते हो कुछ इस तरह से। इस नेक्स्ट ड्रिल में हम लोग बैट के ऊपर बॉल को टैप करेंगे, इससे हमारा आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेटर हो जाता है। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप मैचेस में बॉल को अच्छे से देख पाओगे। जब आपको ये इजी लगने लगे तो आप इसको बैट के एज पे कर सकते हो और इस पे रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे कि इस पे भी आप बहुत बेटर कर रहे हो देन आप वन हैंड से भी इसको ट्राई कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट ड्रिल कैचिंग के लिए होने वाला है। इसमें आप एक वॉल के सामने जाके खड़े हो जाओ और अपने आइज़ को क्लोज करके बॉल को वॉल की तरफ फेंको। जब बॉल और वॉल के कॉन्टैक्ट का आवाज़ आए तब आप अपने आइज़ को ओपन करो और देन बॉल पे रिएक्ट करके कैच को पकड़ो। इससे आपका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत बेटर हो जाएगा और जब भी आप मैच में स्लिप में या फिर शॉट में खड़े होगे तो वहाँ बॉल बहुत तेज आता है और वो सारे कैचेस रिफ्लेक्स एक्शन पे ही पकड़े जाते हैं तो आप वहाँ बहुत बेटर कर पाओगे। गाइस नेक्स्ट ड्रिल भी कैचिंग का ही होने वाला है। इसमें हम एक कॉर्नर के सामने खड़े होंगे और उस कॉर्नर को हिट करने का कोशिश करेंगे। जब आप उस कॉर्नर को हिट करने का कोशिश करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि बॉल किस साइड आने वाला है देन आप फास्टली रिएक्ट करके उसको कैच कर सकते हो और इससे आपका रिफ्लेक्स एक्शन अगेन बहुत बेटर होने वाला है। गाइस इस ड्रिल को मैं बचपन से करता आया हूँ। गाइस नेक्स्ट ड्रिल बॉलर्स के लिए होने वाला है। इसमें हम एक बॉल पे 5 या 6 फीट के हाइट पे मार्क कर देंगे और फिर अपने बॉलिंग एक्शन को कंप्लीट करते हुए उस मार्क पे हिट करने का ट्राई करेंगे। गाइज इससे हमारा बॉलिंग एक्शन बहुत ही बेटर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और हम मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गाइज नेक्स्ट ड्रिल जो होने वाला है वो आप सबने अपने घर पे किया ही होगा। जी हाँ, हैंगिंग बॉल प्रैक्टिस। गाइज अगर आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है तो आप एक हैंगिंग बॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग 100-110 बॉल्स आप एक बार में एक सेट करो और ऐसे ऐसे आप रेगुलरली 2 या 3 सेट कर सकते हो। गाइज इसको और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप इसके साथ बैट को यूज़ ना करके विकेट को यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। जब आप विकेट से बॉल को परफेक्टली टाइम करने लगोगे तो आप खुद सोच सकते हो कि आप बैट से उसको और कितना बेटर टाइम कर सकते हो। तो गाइज जब आप विकेट से अच्छे से टाइम करने लगोगे तब आप की टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। आप मैचेस में एज लग के कभी भी आउट नहीं हो और आपके बैटिंग में परफेक्शन आ जाएगा। गाइस नेक्स्ट जो ड्रिल है उसमें आप अपने छत पे या फिर जहाँ भी आपको ओपन स्पेस मिले वहाँ पे आप स्प्रिंट लगा सकते हो। यहाँ मैं अभी बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि नीचे घर वाले सोए हुए हैं। गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो इतने सारे आइडियाज़ मैंने दिए हैं घर पे प्रैक्टिस करने के ये कैसे लगे और आपने अभी तक इनमें से किन किन को ट्राई किया था। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू गाइज़।